नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हमने सीखा था एक वर्ष में दिन ज्ञात करना, आज हम सीखेंगे कुछ वर्षों में दिन ज्ञात करना। और इसके लिए ट्रिक होगा, जब तिथि वही रहे यानी कि दिन और महीना वही रहे और वर्ष अगला हो तो या तो एक बढ़ेगा या दो बढ़ेगा। एक कब बढ़ेगा? जब साधारण वर्ष होगा। दो कब बढ़ेगा? जब लीप वर्ष होगा। बस इतनी सी बात है। यानी कि कुछ वर्षों में दिन ज्ञात करना हो तो हमारा ट्रिक होगा प्लस एक या प्लस दो। तो यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है, यदि 5 मई सन 2003 को सोमवार हो तो 5 मई 2004 को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पर तारीख और महीना एक ही है, 5 मई, तो 5 मई। बस तीन है तो यहाँ पर चार हो गया, यानी कि तारीख और महीना वही है, तिथि वही है, वर्ष बस अगला है। तो इतना कन्फर्म है कि या तो एक बढ़ेगा या दो बढ़ेगा। और ये भी कन्फर्म है कि सोमवार यहाँ पर है, तो यहाँ पर या तो आंसर मंगलवार होगा या बुधवार होगा। इन्हीं दो में से कोई ना कोई एक आंसर आपका होने वाला है। तो एक बढ़ा देंगे तो मंगलवार, दो बढ़ाएंगे तो बुधवार आंसर। इसके अलावा तो कुछ और विकल्प में टिक करना ही नहीं है। तो अब देखते हैं एक बढ़ाएं हम या दो बढ़ाएं। तो इसके लिए आपको जानने की जरूरत पड़ेगी कि 2003 या 4 में से कोई लीप वर्ष तो नहीं है। तो 2004, ये 2004 इसमें क्या है? तो लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में हम एक नहीं बल्कि दो बढ़ाते हैं। तो मेरा यहां पर आंसर आ जाएगा मंगलवार और बुधवार। दोनों वर्षों में से अगर कोई वर्ष लीप वर्ष रहे तो आपको दो बढ़ाना है। आगे मैं प्रश्न में बताऊंगा और क्या दिक्कत है। यदि 8 फरवरी 1995 को बुधवार था तो 8 फरवरी 1994 को, देखिए 8 यहां है तो 8 यहां भी है, फरवरी है तो फरवरी यहां भी है, बस 95 है तो इसमें माइनस हो गया, 94 हो गया। तो ट्रिक वही काम होगा, अगर तिथि वही रहे, वर्ष अगला रहे तो या तो एक बढ़ता है या दो बढ़ता है। तो तिथि वही रहे और वर्ष पिछला रहे तो बस ट्रिक को बस आप उल्टा कर दीजिएगा कि या तो माइनस एक होगा या माइनस दो होगा। इसमें तो कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पर अब ये चेक करना है कि हम इसमें से माइनस एक करें या माइनस दो करें। यानी कि बुधवार है तो या तो मंगलवार होगा या सोमवार होगा। इन दो के अलावा तो कोई आंसर हो ही नहीं सकता है, किसी और विकल्प को तो टिक ही नहीं करना है। तो देखते हैं कि न तो 1995 और न तो 1994 कोई भी चार से विभाजित नहीं होगा, यानी ये दोनों ही साधारण वर्ष है, इसलिए हम सिर्फ एक ही घटाएंगे और हमारा आंसर बुधवार है। तो यहाँ पर आ जाएगा एक घटाने पर मंगलवार। तीसरा प्रश्न देखते हैं, यदि 1 मार्च 1997 को शुक्रवार था तो 1 मार्च सन 2000 को, देखिए तारीख वही है, महीना वही है, बस 97 है तो, लेकिन यहाँ पर 2000 है। हमने सिर्फ एक कदम चलना सीखा है, दो या तीन कदम चलना नहीं। यानी हम सिर्फ अगला साल हो तो बता सकते हैं, दो तीन साल कूद के नहीं बता सकते, लेकिन हम धीरे धीरे चलते चलते यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को मुझवाने भी हल कर सकते हैं, लेकिन हम समझाने के लिए यहाँ पे आपको लिख रहे हैं 1 मार्च 1997 को क्या था? तो शुक्रवार था। तो हम इकट्ठा हमको ज्ञात करना है 1 मार्च सन 2000 को कौन सा दिन था। तो इकट्ठा हम 2000 पे नहीं कूद सकते हैं, लेकिन हाँ ये बता सकते हैं कि 1 मार्च यानी तिथि वही रखेंगे और 1997 के जगह पे 1997 के जगह पर 1998 कर देंगे। तो हाँ ये बता सकते हैं कि या तो एक बढ़ेगा या दो बढ़ेगा। तो दोनों में से कोई भी साल लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि चार से विभाजित नहीं होगा, इसलिए साधारण वर्ष है, इसलिए यहाँ पे प्लस एक बढ़ेगा। शुक्रवार है तो यहाँ पे शनिवार होगा। अब फिर 1 मार्च तिथि वही रखते हैं और साल एक बढ़ा देते हैं 1998, तो यहाँ पे हो जाएगा 1999, क्योंकि हम एक एक कदम यानी एक एक साल बढ़ना सीख लिए हैं। तो शनिवार है तो यहाँ पे एक बढ़ेगा या दो बढ़ेगा। तो न तो 1998 न तो 1900, हमेशा यहाँ पर क्या आएगा ज्ञात करना है। तो पिछला एक लेकर यहाँ पर दोनों को देखिएगा, दोनों में से कोई लीप वर्ष नहीं, इसलिए यहाँ पर भी एक ही बढ़ेगा। शनिवार है तो यहाँ पर भी हो जाएगा रविवार। अब हम एक साल और बढ़ेंगे तो दिए गए तिथि तक पहुँच जाएंगे। 1 मार्च यानी तिथि वही रखते हैं और सन यहाँ पे लिखा ही हुआ है, तो यहाँ से यहाँ का तुलना किया जा रहा है। तो न तो 1999 न तो सन 2000, लेकिन सन 2400 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए ये लीप वर्ष है। तो रविवार में एक नहीं बल्कि यहाँ पे दो दिन जोड़ेंगे तो सोमवार और मंगलवार हमारा आंसर आ जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मंगलवार। अब अंतिम प्रश्न देखते हैं, इसमें कुछ दिक्कत आपको हो सकती है, अभी जो कुछ मैंने बताया उसके हिसाब से देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। अब यहां पे एक बात ध्यान दीजिए,
15 सितंबर सन 2000 को, तिथि तो वही है 15 सितंबर, बस यहाँ पे 2000 है तो यहाँ पर 2001 हो गया है। तो यहाँ पर सन 2000 लीप वर्ष है, तो शुक्रवार है तो हमारा आंसर शनिवार और रविवार होना चाहिए। लेकिन अगर जो लोग ऐसे कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, तो एक बात यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिए, अगर साधारण वर्ष है दिया गया दोनों साल जैसे ये है और जैसे ये है, इस तरह के जो दो दो सालों का पेयर है, इनमें से दोनों सालों में से कोई भी साल अगर साधारण वर्ष है, दोनों ही साल साधारण वर्ष है, तब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। दिया गया दोनों साल अगर साधारण वर्ष है तब कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तुरंत प्लस एक कर दीजिए। दो साल की बात की जाती है, दो सालों में तुलना किया जाता है, एक साल से अगले साल तक पहुंचा जाता है, तो अगर दोनों सालों में से कोई भी साल लीप वर्ष नहीं है, यानी दोनों ही साल साधारण वर्ष है, तब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, तुरंत एक बढ़ा देना है। लेकिन अगर लीप वर्ष है दिए गए दो सालों में से कोई भी एक, जैसे कि इसमें ये लीप वर्ष था, जैसे कि इसमें ये लीप वर्ष था, जैसे कि इसमें ये लीप वर्ष था, तो दिए गए दोनों सालों के पेयर में से कोई भी अगर एक लीप वर्ष है तो तुरंत दो नहीं बढ़ाना है, तुरंत दो नहीं बढ़ाना है। साधारण वर्ष दोनों साल रहे तो एक तुरंत बढ़ा देना है, कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन दोनों दिए गए सालों में से अगर एक भी लीप वर्ष है तो लीप वर्ष देखते ही तुरंत दो नहीं बढ़ा देना है। यह भी चेक करना है कि लीप वर्ष है तो इसको लीप वर्ष का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यानी कि अगर लीप वर्ष है तो आपको यह भी चेक करना पड़ेगा कि उस गणना में 29 फरवरी शामिल होगा या नहीं होगा, क्योंकि लीप वर्ष होने पर फरवरी 28 के बदले 29 की होती है, तो क्या वो 29 का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो इसको कैसे चेक करेंगे। तो आप ये सोचिएगा कि आप कोई कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, कोई कोचिंग ही सोच लीजिए कि ज्वाइन कर रहे हैं, तो 15 सितंबर सन 2000 को कोर्स स्टार्ट किए, एक साल का कोर्स है, तो 15 सितंबर सन 2000 तक आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या आपको 29 फरवरी वाला लाभ मिलेगा, एक दिन एक्स्ट्रा वाला। तो आप तो कोर्स 15 सितंबर सन 2000 से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि फरवरी 29 वाली उधर बीत चुकी है, फरवरी मार्च सब बीत चुका है, यानी 29 फरवरी उधर बीत चुका है, यानी 29 फरवरी का लाभ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप कोर्स 15 सितंबर से स्टार्ट कर रहे हैं और फरवरी उधर बीत चुका है, यानी कि लीप वर्ष होने के बावजूद भी इसको लीप वर्ष का लाभ नहीं मिलेगा और यहाँ पर एक ही बढ़ेगा और हमारा आंसर आ जाएगा शनिवार। अगर आपको बात नहीं समझ में आई हो तो इस वीडियो को थोड़ा सा फिर से एक बार देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज का मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।